माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने 1969 के बाद पहली बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2023 हर दृष्टि से और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो मित्र सिर्फ हंगामा करना जानते हैं, इस राष्ट्र को कैसे विकसित राष्ट्र बनाया जाए इसके बारे में उनकी कोई चिंता नहीं है, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि हंगामे से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं इस बिल के जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि पहले हमारा जो विधेयक है वो 1969 में लागू हुआ था, उसके पश्चात इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ। समय के साथ और जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है उस बात को ध्यान में रखते हुए आज इस बिल में संशोधन आवश्यक है। जैसा सभापति महोदय आप जानते, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जन्म के समय प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो, उसका स्थान निर्धारित हो, उसका नाम निर्धारित हो, उसकी राष्ट्रीयता निर्धारित हो, और हमारे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड CRC 1989 के आर्टिकल 7 में कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे का पंजीकरण किया जाएगा, जन्म से ही उसके राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होगा और जहां तक संभव हो माता पिता से उसकी पहचान होने और उसके द्वारा उसकी देखभाल किए जाने का भी अधिकार उसे होगा। तो ऐसे तमाम बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण आज ये संशोधन आवश्यक हो गया है। हमारे देश में एक राष्ट्र एक डेटा पोर्टल शुरू करने हम जा रहे हैं और अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर चीज का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। डिजिटलाइजेशन होने के कारण आज हमको ये संशोधन करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से आम जनता को बहुत फायदा होगा। यह संशोधन करने के पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इसके संबंध में आम जनता से राय ली गई थी, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे राय ली गई थी और उनकी सबकी राय लेकर के इस बिल में संशोधन किया है। इस बिल के जो प्रमुख संशोधन है वो इस प्रकार है। पहले की जो परिभाषा थी उस परिभाषा में आधार, एडॉप्शन और डेटाबेस ये सम्मिलित नहीं किए थे, तो जो हमारी नई परिभाषा होगी उसमें इसको सम्मिलित करेंगे। हमारे रजिस्ट्रेशन का डिजिटलाइजेशन होना जरूरी है, वो इसमें होगा। हमारे जो जन्म और मृत्यु का जो पंजीयन है यह मूलतः राज्य का विषय है और राज्य स्तर पर एक मुख्य रजिस्ट्रार होता है। उस मुख्य रजिस्ट्रार के जो कर्तव्य हैं उनको भी बढ़ाए गए हैं और उनका भी डिजिटलाइजेशन करने के संबंध में उनको भी निर्देश इसमें जाएंगे। जो हमारा जन्म और मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन होगा इसका अलग अलग जगह पर इसका उपयोग होना है। जैसे मतदाता सूची में जो हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है उसमें आधार से, और इसका उपयोग तो मुख्यतः जो हमारे बीमा संपत्ति और बैंक संबंधी जो दावे पूर्ति होगी उसमें भी होगा। इस प्रकार से मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं पूरे हाउस से निवेदन करता हूं कि इस राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण बिल को ध्वनिमत से पारित करें। धन्यवाद महोदय।